हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुकी हूँ चैपल ब्रिज के सामने। तो आप देख सकते हो ये है ब्रिज, एंड ये ब्रिज यूरोप का फर्स्ट वुडन कवर्ड ब्रिज है, जो कि मतलब फुट ब्रिज है। आप इस पर चल सकते हो अंदर, और इसको बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पेंटिंग लगी है 17th century से। और एक्चुअली इस पर आग लग गई थी 1993 में, बट इसको फिर से रीबिल्ड किया गया था, मतलब रिस्टोर करा गया था, फिर भी ये सर्वाइव करा, आप देख सकते हो। और काफ़ी मतलब सही लग रहा है, काफ़ी ओल्ड ब्रिज है, ये ओल्डेस्ट ब्रिज है इन यूरोप। तो चलो अंदर चल के देखते हैं कि कैसा व्यू आता है, कैसी है पेंटिंग्स। तो चलो लेके चलती हूँ मैं आप लोगों को, एंड आप भी मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, मैं ब्रिज के अंदर से होकर आ गई और ब्रिज ब्यूटीफुल था, आप क्लिप में देख लेना। एंड मेरे को तो बहुत सुंदर लगा, मैंने वॉक की, एंड आसपास भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रिज आप वॉक कर सकते हो और व्यू ले सकते हो। यहाँ से माउंटेन का भी व्यू आता है, जो यहाँ की माउंटेन है, और काफ़ी सुंदर था। तो अब लग गई है मेरे को भूख, और मेरे पास है ये क्रोसॉन जो कि मैंने ख़रीदा था आल्डी से ही। तो चलो मैं खाती हूँ इसको, एंड देन फिर आगे मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लोकेशन पे।
तो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ उस स्टैचू के पास, लायन का। आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। हर एक चीज़ है, मतलब हर एक स्पेसिफिकेशन, हर एक फीचर बहुत ही शानदारी से बनाया गया है। एंड गाइज, जिस आर्टिस्ट ने इसको बनाया है ना, इस लाइन के मोन्यूमेंट को, तो ये सिर्फ एक स्टोन को क्रेव करके बनाया गया है। एंड ये इतना ब्यूटीफुल है, मतलब आप इसको देखोगे ना, इसकी हर एक स्पेसिफिकेशन, हर एक इसका फीचर दिखता है। और बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक स्टोन को क्रेव करके बनाया गया है। एंड ये सिंबलाइज करता है ब्रेवरी एंड लॉयल्टी ऑफ स्विस सोल्जर्स को, ठीक है। एंड इसके नीचे आप देख सकते हो जो मोन्यूमेंट, उसके नीचे नाम भी लिखे गए थे कुछ सोल्जर्स के, उनके कमांडर्स के। एंड अगर आप इसको देखोगे ना, मतलब लिटरली मैं तो इसको देख के शॉक्ड हो गई थी, एकदम ये रियल लग रहा था। मतलब इतना टैलेंटेड भी कोई हो सकता है? ओ माय गॉड, मींस वाओ, अमेजिंग। गाइस, अब हमारा घूमना खत्म हो गया, बस ओल्ड टाउन बचा हुआ है लुसेन का, और अब लग गई है भूख और ये डिनर टाइम भी हो गया है, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे वैसे बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप यहाँ पे आओ तो वैसे कुछ कुछ स्नैक्स लेके चलना अपने साथ, और बाकी आप खरीद भी सकते हो। तो हम आए मैकडी, तो यहाँ से हमने बर्गर का ऑर्डर दिया है, तो अभी वेटिंग टाइम में बैठी हूँ मैं। बैक से मैं दिखा देती हूँ, अच्छा है एम्बियंस काफ़ी यहाँ का। सो गाइज, पेट पूजा करने के बाद, बर्गर खाने के बाद हम आल्डी चले गए थे, बिकॉज हमें कुछ ग्रॉसरी ख़रीदनी थी बनाने के लिए डिनर। एंड आप देख सकते हो, अगर आप स्विट्ज़रलैंड आओगे तो आपको आल्डी भी इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप जर्मनी से आते हो, आप जानते हो जर्मनी में भी ये सुपरमार्केट आपको मिल जाता है, कॉमन है काफ़ी, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आल्डी गूगल पे टाइप करके यहाँ पे नियरेस्ट आल्डी को विज़िट करके आप ग्रॉसरीज़ ख़रीद सकते हो। फिर जब हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे ना, तो हमें ये वॉल दिखी, इस पर बहुत सारी लैंग्वेजेस में लाइक रशियन, इंग्लिश, जर्मन में लिखा हुआ था, और हिंदी में भी लिखा हुआ था गुड बाय, लाइक अलविदा। तो वही, तो इसीलिए मैंने कैप्चर कर लिया, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एंड आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ओल्ड टाउन। हम पहले भी ओल्ड टाउन गए थे, एंड हम फिर शॉपिंग करने के बाद, खाना खाने के बाद दोबारा ओल्ड टाउन चले गए थे। और यहाँ पर अगर आप वॉक करो ना, इवनिंग वॉक करो, तो भाई आपका दिन बन जाए, बहुत ही मस्त लग रहा था शॉप्स एंड चहल पहल देख के लोगों की। एंड एक और शॉप मिली, उस पर भी स्वागत एंड बहुत सारी लैंग्वेजेस में वेलकम लिखा हुआ था। देन हम घर गए, फिर हमने डिनर किया। डिनर में बनाया था पुलाव, ऑमलेट, एंड पुलाव के साथ खाई थी मैंने दही। एंड डेजर्ट में खाया था ये पाना कोटा, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बाय।